जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन और पप्पू यादव आज चाइना के खिलाफ सड़कों पर नजर आए। पटना के सड़कों पर उतरे पप्पू यादव ने चाइना मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए लोगों से चाइनीज सामानों का बहिष्कार करने की अपील की। साथ ही जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने जेसीबी मशीन पर चढ़कर एक चीनी मोबाइल फोन निर्माता कंपनी के बैनर को काला रंग से पोत दिया। वहीं जाप छात्र नेता अरविंद यादव ने भी कई जगहों पर काले रंग से बैनर को पोत दिया और ओप्पो वीवो आदि चाइनीज प्रोडक्ट को बहिष्कृत करने की लोगों से अपील करते हुए चाइना का सामान नहीं खरीदने का आग्रह किया। साथ ही पप्पू यादव ने इलेक्ट्रॉनिक एवं मोबाइल आदि के दुकानदारों से चीन का सामान न बेचने का आग्रह किया है। आज हम लोगों ने चाइनीज सामान जो भारत में व्यापक रूप से बिक रहा है उसके खिलाफ और चाइना के जो दोहरी नीति जो बॉर्डर पर देखने के लिए मिला, जो हमारे सैनिकों को उन्होंने मारने का काम किया, उसको लेकर आज हम लोगों ने व्यापक रूप से चाइना का विरोध करने का, चाइनीज सामानों का विरोध करने का काम किया। हम चाइना को यह एहसास दिलाना चाहते हैं कि अब तेरा सामान अब भारत में नहीं चलेगा। हम चाहेंगे भारत के प्रधानमंत्री से कि अब किस बात का आप इंतजार कर रहे हैं? आपको चाइना आँख दिखा रहा है, पाकिस्तान आँख दिखा रहा है, अब नेपाल भी आँख दिखाने लगा। हम आपके साथ हैं, आप पुरजोर चाइना और समस्त जो देश आपको आंख दिखा रहा है उसे लड़ाई लड़ने का काम कीजिए। वक्त है चाइना को सबक सिखाने का। उन्होंने हमारे 20 सैनिकों को उन्होंने शहादत किया है, उन्होंने शहीद किया है। हम उनके कम से कम सैकड़ों सैनिकों को मारने का काम करेंगे। आपके साथ संपूर्ण देश है और आप आपको चुप नहीं रहना चाहिए। मैं अपील करूंगा देश के प्रधानमंत्री से, चाहे वक्त आ चुका है चाइना का सबक सिखाने के लिए। हम लगातार पटना के सड़कों पर जो चाइनीज जो बड़ा बड़ा बैनर जो दुकानदार लगाए हुए हैं, उस दुकानदार के जो बैनर है, होर्डिंग है, उस पर हम लोग नो चाइना प्रोडक्ट लिखकर काले पेंट से स्याही से उसको कालीकृत कर चाइना को यह एहसास दिलाना चाहते हैं कि तेरा प्रोडक्ट अब भारत में बिकेगा नहीं। संपूर्ण देशवासियों से अपील है कि आप लोग चाइनीज सामान का बायकॉट कीजिए, चाइनीज सामान लेना बंद कर दीजिए। जब हम चाइना का सामान नहीं लेंगे तो चाइना का जो निर्यात है, जो निर्यात करता है हम लोग के देश में, वो बंद हो जाएगा। देश है जो सामान निर्यात करता है उसमें उसको घाटा लगेगा, उसके बाद सबक सीखेगा। हम लोग आज से प्रतिज्ञा लें कि चाइनीज सामान हमें नहीं खरीदना है। और देश के प्रधानमंत्री से मेरा अपील है कि समस्त देश आपके साथ खड़ा है और आप चाइना के खिलाफ एक बड़े युद्ध का तैयारी कीजिए, क्योंकि चाइना को हम लोगों को सबक सिखाना है। उन्होंने हमारे सैनिकों को शहीद किया है, हम उनके सैनिकों को भी शहीद करने का काम करेंगे। जन अधिकार छात्र परिषद बिहार, अरविंद कुमार यादव।